की तामीर और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों का भड़कता हुआ दिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस स्टूडेंट यूनियन के तारीखी फसील से इमरान खान सामईन की सभा में मौजूद मेरे कौम के अलमदार मेरे भाई और दाहिनी जानिब मौजूद मेरी कौम और मिल्लत की इज्जत और आबरू मेरी बहनों को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा बानी दर्शका सर सैयद अल रहमा को, जिनकी काविशों के नतीजे से यह अजीम और शान दर्शका का कयाम अमल में आया। आज का जो मौजू है वो तालीमी इदारों की सियासतकारी रहमत या जहमत है। बहुत अच्छा है कि हमें एक टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक पे बोलने का मौका मिला। मैं काफी वक्त से पिछले चार या पांच मुहिम के इलेक्शन देख चुका हूँ। उन इलेक्शन में शारिक अकील साहब यहाँ मौजूद हैं, हर बार कहते हैं कि ये सर सैयद अली रहमा की ये रिवायत थी कि सर सैयद अली रहमा खुद बैठ करके स्टूडेंट्स की डिबेट सुनते थे और उनको परखते थे और जांचते थे। बाकी यूनिवर्सिटीज के शेख उलजामिया सिर्फ यूनिवर्सिटीज के शेख उलजामिया होते हैं, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शेख उलजामिया सिर्फ शेख उलजामिया नहीं होता, सर सैयद अली रहमा का जानशीन भी होता है। लेकिन वो सर सैयद अली रहमा का जानशीन आज इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद नहीं है, ये सर सैयद अली रहमा की रिवायत को अपने कदमों तले रोला गया है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे शेख उलजामिया ने तालीम भी यहीं से हासिल की है, उसके बावजूद भी उन्होंने सर सैयद अली रहमा की रिवायतों को अपने कदमों तले रोंदा है। क्यों शारिक अकील साहब, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या अपने भाइयों और बहनों के साथ फरेब कर रहा हूँ, क्या मैं बताइए आप। क्योंकि आपने एक तारीखी बात छेड़ी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवायत की है कि यहाँ इंस्टॉलेशन सेरेमनी की सदारत वाइस चांसलर करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त यूनिवर्सिटी के यूनियन के सरपरस्त होते हैं। वाइस चांसलर तलबा के तपेली मुकाबले की कभी भी सदारत नहीं करता। तो फिर सैयद अली रहमा बैठकर डिबेट क्यों सुनते थे, क्या वो नहीं जज करना चाहते थे अपने स्टूडेंट को, नहीं परखना चाहते थे, वो भी परखते थे शेख उलजामिया को चाहिए था कि यहाँ आए और बैठे और परखे हमें। अरे कूफा के मुनाफिकीन जो यजीद के डर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के गले कटते हुए देखते रहे और एक लफ्ज उस जुल्म के खिलाफ उनके मुंह से नहीं निकला, तो फिर उनमें और इस इंतजामिया में मैं क्या फर्क करूं। ये कब तक चलता रहेगा कि कब तक जुल्म और ज़ाहती होती रहेगी, ये किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़ बात होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए कि जब हर सितम को अदाबे महबूब कह के चुप थे, अब उठेगी हम पर जब ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। अब हर ईंट का जवाब पत्थर से ये इमरान खान देगा, आपका भाई इमरान देगा हर ईंट का जवाब पत्थर से। यही शारिक अकील साहब नुमाइश ग्राउंड में जब मैं 18% रिजर्वेशन का हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करने के लिए गया था, तो यही शारिक अकील साहब ने एक मुकर्रर के कानों में कहा था कि ये अपोजिशन के लोग हैं। अरे अपनी कौम की आवाज उठाने वाले अपोजिशन के लोग हैं, अपनी कौम के साथ हुए फरेब तो सामने आने वाले अपोजिशन के लोग हैं। अरे मैं अपोजिशन का लोग नहीं, मैं अपोजिशन का नहीं हूँ, ये अपोजिशन से है। ये सर सैयद अहमद खान की अपोजिशन, सर सैयद अली रहमा के ख्वाबों की अपोजिशन, ये अलीगढ़ तहरीक की अपोजिशन और ये नवाब विकार मुल्क और महसूर मोहसिन मुल्क की अपोजिशन है। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ जो आप घंटी बजाएंगे, मैं आपके गुनाहों को आपके सामने रखा आप सुनिए तकरीर को मैं करूंगा
तब जरूर जब वाइस चांसलर यहाँ मौजूद होंगे तब तकरीर करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हें डर न मिलेगा। यहाँ के प्रोफेसर हजरत जो शारीख अकील साहब जैसे हैं, उनकी उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि वो आते हैं एक थैला और चार किताबें लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यहीं से रिसर्च करके किसी सुपरवाइजर की बेटी से शादी करके यहीं घर आते हैं। उनकी बीवी भी प्रोफेसर, वो खुद भी प्रोफेसर, और उनके बच्चे तो माशाल्लाह इतने जहीन होते हैं कि वो अरसे मोहल्ला से मोहर लगा के आते हैं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। अगर ये भी ना हो सका तो रिसर्च में तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा। अभी मुझे अपना समय सफीर गया तो कर लेना दो। मेरी बहनें और मेरे कुछ भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको रिसर्च में एडमिशन नहीं मिलता। मेरे कुछ भाई और कुछ बहनें जो एंट्रेंस एग्जाम को टॉप करती हैं उनको रिसर्च में एडमिशन नहीं मिलता। उनके बच्चे इतने सही होते हैं उनको रिसर्च में एडमिशन पहले नहीं मिलता। ये खरीदो फरोख्त सर सैयद के नाम पे कब तक चलती रहेगी? कब तक सर सैयद अली रहमान के नाम को बेचा जाएगा? ये आपको बर्दाश्त हो सकता है, मुझे बर्दाश्त होता ही नहीं है। न जाने कौन कौन है तेरा बेचने वाला, न जाने कौन कौन है तेरा बेचने वाला, न जाने कौन कौन तेरा खरीदार है। सच कहूं तो हर शख्स है तेरा बेचने वाला, हर शख्स तेरा खरीदार है। यकीन जानो कि मैसूर का सूरज जब गुरूब हुआ था, मैसूर की सड़कों पर जब खून बहा था, तो फिर अंग्रेजी हुकूमत ने यह नहीं देखा था कि कौन सुल्तान, कौन सा घर सुल्तान का वफादार है और कौन सा गद्दार। हर घर से औरतों और बच्चों को निकाला गया था, कतलो गारत हुई थी, इज्जत रेजी हुई थी। अगर अलीगढ़ का सूरज गुरूब होता है तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कौन गद्दार है, कौन वफादार है। हर घर से, आपके भी घर से बच्चे और औरतें निकाले जाएंगे, इज्जत रेजी होगी, कतलो गारत होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ अलीगढ़ का सूरज क्यों गुरूब होता हो रहा है, क्यों अलीगढ़ की स्टूडेंट यूनियन का या अलीगढ़ की इंतजामिया का मैार और वकार गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंतजामिया है वो अपना तानाशाही वाला रवैया अख्तियार किए हुए हैं और इलाकाइयत की जो ताकतें हैं वो सर चल के बोल रही हैं। यह फंड आता है, इतना फंड शायद हम लोगों को सारी फैसिलिटीज बड़े जायदे के साथ मिल सकते हैं, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल इनके ऐशो आराम में होता है, हमारे हक में इस्तेमाल नहीं होता। अरे मेरी बहनों की डाइनिंग पे फाइन लगता है, डाइनिंग पे फाइन 5 दिन के लिए अगर वो डाइनिंग बंद कराए तो नहीं करा सकती, उसका भी पैसा देना होगा। अरे वो हलाल का पैसा है, हराम का नहीं। आपको तो पैसा नहीं मिलती है, उनका जो 1000 रुपये खर्चा होता है उसको कैसे वो लोग अरे आपके पास लैब मेंटेनेंस का पैसा, हर चीज का पैसा, लैब तो कभी मेंटेन नहीं होती, आपके जो चैम्बर है उनमें ऐसी जरूर होती है। आपके चैम्बर में ऐसी जरूर होती है। अरे सर सैयद के ख्वाबों को कब तक बेचोगे और मेरी बहनों पर कब तक जुल्म और ज़ाती करोगे? आज मुझे अफसोस है कि मेरी किसी बहन ने चेयर की पोस्ट पर कोई नॉमिनेशन नहीं दाखिल किया। लास्ट वक्त मुझे फख्र था कि कहकशा खानम ने नॉमिनेशन दाखिल किया था, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, जुल्म और ज़ाती के खिलाफ बोले कि लड़कियों के सुख बड़े अजब होते हैं, जो उससे भी अजीब बात करती हैं तो काजल भिगोती हैं। इलाकाइयत की सारी ताकतें भी इस अलीगढ़ के सूरज को गुरूब कर रही हैं।
इलेक्शन कंटेस्ट कराने करने के लिए जो लोग अपने आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, मुनीबुल्ला तिवारी साहब यहाँ मौजूद हैं। इनका यह फर्ज बनता था कि जिन्होंने लाखों रुपए इलेक्शन में खर्च किया है उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल के मैदान में यकीनन आपको इसका जवाब देना होगा। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। कातिल को जो न रोके वो शामिल है कत्ल में, जालिम को जो न टोके वो जालिम के साथ है। हम सर बदक उठे हैं, क्या फते हैं आप लोग, क्या जो से जो लश्कर बातिल के साथ है। इस रंग पे है तो जंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हमें जंगों से डर नहीं लगता, अरे हम लोग कदमों से प्रमुख रखते हैं। जब 313 का लश्कर हजारों को शिकस्त नहीं देता है तो कभी नहीं जानता है। मैं कोई बदली नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कभी नहीं है। ये आपके बिना जो मैं सबके सामने लेकर जा रहा हूँ, आप कहते हैं कि कश्मीर की बात नहीं होगी, फलस्तीन की बात नहीं होगी। अरे होगी, कश्मीर की भी बात होगी, फलस्तीन की भी बात होगी। अरे यहाँ प्रोटेस्ट भी होंगे और यहाँ धरने भी होंगे। अरे छत्तीस सिंह पूरा के सिखों को कश्मीर में इंसाफ नहीं मिला तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके लिए आवाज नहीं उठाएगी? पटरीगंज के मुसलमानों को कश्मीर में इंसाफ नहीं मिला तो क्या उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आवाज नहीं बुलंद करेगी? करेगी, जरूर करेगी। जब तक इमरान खान जिंदा है आवाज बुलंद होती रहेगी। आपका भाई जब तक जिंदा है यह आवाज बुलंद होती रहेगी। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी आवाज उठेगी, राजस्थान के लिए भी आवाज उठेगी, दादरी के लिए भी उठेगी, तो दिल्ली के लिए भी उठेगी, बड़ी लंकेश के लिए भी यहाँ से आवाज उठेगी, रोहित रमना के लिए भी आवाज उठेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर हुकूमत हिंद हमें कमजोर समझती है, नजीर के लिए भी आवाज उठेगी, उसकी रहेगी। अगर हुकूमत हिंद हमें कमजोर समझती है तो ये जानिए कि अगर हमने करवट बदली तो इस दुनिया का निशान बदल के रख देंगे, एक दुनिया का निशान बदल देंगे। कि जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम, जालिम के लग पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फलती नहीं है सर के सितम इस जमीन पे, तारीख जानती है जमाना गवाह है। कुछ कोरे बातिलों की नजर तंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तमाम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डेमोक्रेसी पे, जमूरियत पे सवाल खड़ा करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मशकूर अहमद उस्मानी और मेरा भाई अबू बकर जिस इज्जत के साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उसी इज्जत के साथ मेरा बड़ा भाई अजी भी है, उसी इज्जत के साथ कंटेस्ट कर रहा है। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छापे इस बात को कि जिस तरीके से राव बराज वजीर के और फैजल नदीम और सच्चार कंटेस्ट कर रहा है, उसी तरीके से उसी इज्जत के साथ विक्रांत भाई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। छापे इस बात को, यह जंग की जंग है, यह जमीनों की जंग है, ये जंग है वक्त के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया इस जमीन को, वो खून था गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटे भी सुबह रंग लहू रंग नहीं सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मिस्टर सैयद की जो तोहीन मेरे सामने हुई है, शेख उल्जानिया जो यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ तकरीर नहीं करूँगा।
अरे आपसे कहिए कि आपसे सैयद अहमद खान की कोई बर्दाश्त करेंगे, बताओ बर्दाश्त करेंगे। मेरी बहने बताए कि आपसे सैयद अहमद खान की कोई बर्दाश्त करेंगी। अरे जमनाथ जी बताओ कई घूमे पैरों के कानों के पदे फट जाए क्या आप सत्य रहना की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तमाम लोग अपनी तकरीर में जीनत लगाने के लिए सत्य अला रहमा का नाम इस्तेमाल करते हैं। मुझे वो शर्फ हासिल हुआ कि मैंने सत्य अला रहमा की रिवायत को लेकर के तकरीर न करने का फैसला किया, बहकाट करने का फैसला किया। मेरे जो भाई यहाँ मौजूद है अगर उनको सर सैयद अली रहमा की तोहीन मंजूर है तो वह तकरीर करें, मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। मैं सर सैयद अली रहमा की तोहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा और तकरीर नहीं करूँगा। खुदा